राज मोहि भगत हन का अजय अमर कई दे सब दिन ही साधु संतों की सेवा करते रहे। एक दिन के लिए हो गई महाराज जी। हाँ दाल पक रही है, मेरे ख्याल से इसमें चना की दाल है। अच्छा, तो चना की दाल कुकर उकर में पका करती है। हाँ, लेकिन अब क्या करें, अब इसलिए हम अपना चालू किए रहते हैं, जब भूख लगती है खाते हैं जी। बाबा के भोलेनाथ जी के आश्रम की सेवा करते हैं जी। सीताराम दोस्तों आज आपको दो अलौकिक साधु संतों के दर्शन कराने वाले हैं, जो एक विशाल कंदरा में रहकर बरसों से भजन साधना करते आ रहे हैं और रिश्ते में दोनों सगे भाई हैं। और इस तरह की जो आप मेरे पीछे चट्टान देख रहे हैं, एक विशाल चट्टान है और चट्टान के नीचे गुफा में रहकर भजन साधना करते हैं। तो आज आपको उनकी गुफा में ले जाने वाले हैं। तो आइए दोस्तों चलते हैं सीधा। तो ये महाराज जी के लिए कुछ राशन सामग्री है, काफ़ी बीहड़ जंगल के अंदर हम आ गए हैं और लगभग अभी आधा किलोमीटर और चलना है तब महाराज जी की गुफा मिलेगी। देखिए कितनी बड़ी बड़ी चट्टानें यहाँ पर देखने को मिलती हैं और अभी सामने महाराज जी की कुटिया है थोड़ी दूर में। फाइनली दोस्तों हम गुफा के नज़दीक तक आ गए हैं। ये आपको सामने एक बड़ी सी चट्टान दिख रही है, इस चट्टान के नीचे महाराज जी की गुफा है और चारों तरफ से आपको पहाड़ों के ही दृश्य देखने को मिलेंगे। ये दोस्तों सामने जो चट्टान दिख रही है, इस चट्टान के नीचे महाराज जी की गुफा है और अभी नीचे जाने के लिए रास्ता है। ये देखिए दोस्तों, ये जो विशाल चट्टान आप देख रहे हैं, इस चट्टान के नीचे महाराज जी की गुफा है और अभी हम नीचे की ओर ही जा रहे हैं। तो फाइनली दोस्तों हम महाराज जी की गुफा में आ गए हैं, महाराज जी गुफा में बैठे हुए हैं। महाराज जी आपके लिए मच्छरदानी है। अरे वाह भोलेनाथ, बहुत दुखा रहा है बिना मच्छरदानी के। अब बहुत अच्छा अच्छा बात ही, कोई काम नहीं हो रहा है, सनिक बैठ गए पूजा साधना तो मच्छरों के मारे कुछ नहीं करने मिलता। इसमें थोड़ा महाराज जी हमें लाइट दे दिया जी जी, तो अब पंखा भी आ जाए तो बड़ा आनंद आ जाए, फिर तो हम समझ लो कि डुबुक्की लगा रहे हैं आनंद सागर में। देनहार कोई और है। जय हो सीताराम। बाबा महाराज मोहि भगत हन का अजय अमर कई दे सब दिन ही साधु संतों की सेवा करते रहे, हम रहे अथवा न रहे, लेकिन इनका आमन गमन तो जिंदगी भर चलता रहेगा यहाँ पर। महाराज जी आपके लिए एक लाइट भी छोटी सी लाए हैं। अरे वाह, ये सोलर से चार्ज होगी, मतलब आपको कुछ करना नहीं, धूप में रख देना है। हाँ। और शाम को सौर ऊर्जा लगा है, ये लगा है और नीचे इसमें बल्ब भी लगे हैं। जय हो यही चाहे, हम जहाँ पढ़ते हैं वहाँ रख ले, चाहे जहाँ रख ले महाराज जी। ये तो यार बहुत अच्छी रमायण चार्जर भी होगा ये महाराज जी, इसमें सोलर भी लगा इधर। हाँ, ना? हाँ, ये सोलर लगा है, ये उसी प्लेट है जैसे। हाँ, हाँ, और ये पीछे बल्ब लगा है। अच्छा, तो मतलब ऑटोमेटिक जलेगा, आपको जलाना नहीं पड़ेगा। हाँ, दिन में अपने आप बंद हो जाएगा जब आप धूप में रखेंगे। हाँ, जब धूप समाप्त होगी तो अपने आप जल जाएगा, अपने आप जल जाएगा, अपने आप जल जाएगा। अच्छा, और ये देखिए, देखिए अभी वो चार्जिंग बता रहा ना, इधर करिए। हाँ, ये देखो, वो देखो बल्ब अंदर लाल लाल जल रहे हैं ना। हाँ, जल रहे हैं, ये धूप पा रहा है इसलिए जल नहीं रहा, चार्जिंग बता रहा है। हाँ, इसमें ये साफी लगाइए उधर नीचे तरफ कि धूप ना पाए। हाँ, ऐसे 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 रख दीजिए। ये देखो, ये जल गया। और बढ़िया उज्जर होगा महाराज जी, देखिए बढ़िया जल रहा है ना। हाँ, मस्त जल रहा है सीताराम। वाह, ये भगवान के पास रख देंगे, शिव पुराण के पास। अभी इसमें महाराज जी कई कलर में जलता है। हाँ हाँ, बस भोलेनाथ जी, ये हनुमान जी है। अच्छा, इधर शेर की गुफा थी। अच्छा, उधर त्यागी बाबा शंकर जी का एक उसकी वो थी, ये मतलब गाय वाई रखते थे, शेर वो रखते थे। तो कहाँ महाराज जी शेर बैठता था? शेर यहाँ बैठता था, देखिए ये बजरंग जी के पीछे जो है गुफा। हाँ, है। अच्छा, ये पूरा दिए है। अच्छा अच्छा महाराज जी। हाँ, इधर बैठता था, जो सीढ़ी से उतरे हो। हाँ, हाँ, उस सीढ़ी में गुफा है। अच्छा, उधर बैठा था भाई त्यागी बाबा, बताए हम थोड़ी देखा है। अच्छा, त्यागी बाबा जो आपके पहले संत। हाँ, थे।
इधर इधर से पानी भी बहता है, फिर इधर फेरी भेंट देते थे। अच्छा, यहाँ खखरी लगी थी। अच्छा, इस साइड में भोर लेना आता है। हाँ, मालिक आ रहे हैं सब, क्या दुआ करने वाले जी। लोकिन आता है, तीनों लोग कहीं जाता जी जी जी। यहाँ खेरी भेंट देते थे, यहाँ से खखरी लगी थी, शेर वहाँ से आता था, जहाँ ढील देते थे। हाँ, तो फिर चराने जाता था। हम चाहते हैं कि सब कोई भगवान की सेवा करे, दिल लगा के इस तरह सेवा करे कि जैसे इंसान को भूख लगती है तो भोजन की ओर किरकिरा के टूट के पूरी ताकत के ऊपर गिरता है कि लाओ बढ़िया घी से चिपर के रोटी या अच्छा भोजन लाओ, मैं पेट भर करूँ मन लगा के, तब मुझे शांति मिले। ऐसे भोजन के ही समान प्रभु से भी लगन लगाना चाहिए, भोले शंकर से, तब तो वो मानेंगे कि मैंने इंसान बनाया तो आके ठीक किया। जी जी हाँ, ये कहा समझेंगे, नहीं वो भगवान भी कहेंगे कि यार गलती हो गई यार, इंसान बना दिया जी, ये तो हमारा सुमिरन ही नहीं करते, अपने ही खाने हुए हैं, ऐसा नहीं है। तो प्रभु जी की कृपा बहुत बड़ी है, हम तो उनसे सदा यही क्षमता मानते हैं कि प्रभु सत्संग में ही हमारा मनोबल मजबूत रखना, और बाकी हमें एक बार सुख की कामना नहीं है जी। हाँ, देखिए दोस्तों, महाराज जी अपने आश्रम में कुछ सब्जी वगैरह भी लगाए हुए हैं, आप देख सकते हैं। महाराज जी क्या क्या लगाए हैं यहाँ पर? यहाँ ये अमरूद का पेड़ है। हाँ, ये इस साल फरने लगेगी। अच्छा, हाँ, जहाँ बरसात आई। हाँ, जहाँ फरने, ऊपर वाली फरने लगी है। अच्छा, बच्चा देने लगी है। और ये नीचे का है, क्या लगा है महाराज जी? ये है, इसमें है बढ़िया भाटा है, टमाटर है, मिर्चा है। अच्छा, धनिया की पत्ती देखो कितनी सारी है। अच्छा, फूलदार पौधे भी लगाए हैं। हाँ, देखिए दोस्तों, महाराज जी अपना जंगलों से लकड़ बीन के लाते हैं और फिर भोजन प्रसाद बनाते हैं। असल में हम वृक्ष काटते नहीं हैं गीले। अच्छा, तो इसीलिए हमको लकड़ी का संकट रहता। तो ये सूखे महाराज जी बीनते हैं? हम इसी तरह जो निर्जीव हो गए हैं, मर चुके हैं। हाँ, सूख गए हैं। सूख गए हैं, उन्हीं में हम खाना बना लेते हैं, बाकी हम उस तरह काटते नहीं हैं ज़्यादा। अच्छा, काटना नहीं चाहिए ना, इनमें भी जान है। जी जी बिल्कुल, वृक्षों में भी जान है, इनको हम काटेंगे तो इनके भी लगती है कुल्हाड़ी। हाँ हाँ, पर ये क्या है कि इन भाषा नहीं निकलती। हाँ, तो हम सुन नहीं पाते कि ये चिल्ला रहे हैं, इनके लग रहा है। जी 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 हाँ, बिना भाषा वालों को जब हम समझ, बहुत जान मिल गई। एक दिन के लिए हो गई महाराज जी? अरे एक दिन के क्या लिए, अभी 5 मिनट के अंदर अंदर। हाँ, सब समाप्त। अब हम जाते नहीं, नहीं पहले कुछ दूर जंगल में अंदर घुसते। अच्छा, सूखे सूखे बना लाते थे एक एक गट्ठा। अच्छा, लेकिन अब जा नहीं पाते, थक जाते हैं। हाँ, इसमें महाराज जी दाल पक रही है? हाँ, दाल पक रही है, मेरे ख्याल से इसमें चना की दाल है। अच्छा, तो चना की दाल कुकर उकर में पका करती है। हाँ, लेकिन अब क्या करें, अब भोजन का समय है। हाँ, तो ये है कि सूखे प्रसाद से तो अच्छा रहता है, थोड़ा बहुत आड़ हो जाएगी। हाँ, दाल के बाद महाराज जी टिक्कड़ बनेंगे। दाल अब मैं उतार के रखने वाला हूँ, बहुत देर से चुर रही है। हाँ, अब इसमें स्वाद आ गया है। अच्छा, हाँ, इसको फालतू पकाने से कोई फायदा नहीं। ये देखो एकदम से पिच्ची हो जाती है, चुर गई है। अच्छा, महाराज जी इतना गर्म है, आप हाथ से उतार दिए। इतना गर्म है, नमक थोड़ी बस डालू, बस हल्का। देखे दोस्तों, महाराज जी की दाल पक गई है और अब टिक्कड़ बना रहे हैं महाराज जी। और ये महाराज जी की रसोई है और चारों तरफ से महाराज जी पत्थर लगाए हुए हैं, पत्थरों के ऊपर से मिट्टी जो है छाप दिए हैं, और ऊपर से महाराज जी कुछ नहीं डाले हैं। अभी सूखा रूट है। अच्छा, बारिश वारिश तो होती नहीं है। हाँ, तो इसलिए अभी हवा आती है बढ़िया। हाँ, और थोड़ा जहाँ खाना बनाते हैं कम्बल डाल दिए हैं। यहाँ हमें घंटा खान जरूरत पड़ती है रहने की, नहीं फिर बाकी दिन खान भोजन तक नहीं। हाँ, तो इतना हम कोई कष्ट नहीं समझते हैं। अच्छा,
खुला रहता है बढ़िया, फिर बरसात में पानी लगा लेते हैं। भोजन बनाने में भी बहुत बल है जी जी हाँ, खास तौर से गर्मी में हाँ, ठंडी में तो मजा आता है खाना बनाने में हाँ, आँच भी लगती रहती है जी जी जी, भोजन बनता रहता है। गर्मी में बहुत दिक्कत है महाराज जी, और ऊपर से कुछ पड़ा भी नहीं है, कम्बल है पड़ा है, और बाकी पूरी आपकी कुटिया किचन खुली हुई है। अरे किचन क्या है, किसी तरह से गुजर बसरा हो रहा है जी हाँ, नहीं कौन ऐसे जगह में व्यवस्थाओं में बनाना पसंद करेगा जी जी, तो कहेगा मुझे छाया चाहिए, सब दरे में चाहिए। देखो किस तरह लकड़ी बन रही है जी जी, 5 मिनट के अंदर अंदर रोटी पका के रख दूंगा। 5 मिनट में बन जाएंगे महाराज जी? हाँ कोशिश करेंगे, देखना। कितने टिक्कड़ बनेंगे महाराज जी? अरे कम से कम 3-3, 4-4 टिक्कड़ खाने को आ जाए हाँ। यही मेन टाइम है खाने का, पहली टाइम ही मेन भोजन होता है जी, फिर दूसरी टाइम तो शाम के आदमी वैसे कुछ न कुछ खाता रहता है। महाराज जी एक ही टाइम बनाते हैं कि दोनों टाइम? नहीं इच्छा हो गई तो दोनों टाइम बना लेते हैं हाँ। हम खाने वाने में नहीं ज़्यादा वो लेते हैं क्योंकि हमारे भजन साधना में कोई डिस्टर्बिंग होती ही नहीं है जी, इसलिए हम अपना चालू किए रहते हैं, जब भूख लगती है खाते हैं जी, बाबा के भोलेनाथ जी के आश्रम की सेवा करते हैं जी। ये शरीर है ये भी मान लो एक तरह से गाड़ी है जी, तेल पानी नहीं पाएगी तो नहीं चलेगी हाँ हाँ, इसको तेल पानी देना बहुत ज़रूरी है, पेट भर देना है तेल पानी, नहीं तो कैसे जा पाएगी जी जी जी, आधा पेट खिलाएंगे। फाइनली दोस्तों महाराज जी अपना प्रसाद बना चुके हैं, ये देखिए अब थाली लगा रहे हैं, ये देखिए दाल और टिक्कड़ महाराज जी के बन गए हैं हाँ। अब भोग लगेगा महाराज जी? हाँ भोग लगाएंगे। तो देखा दोस्तों संतों की तपस्थली का वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जल्द ही मिलते हैं एक नई जगह एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए कामतगिरी जर्नी की ओर से आप सभी को धन्यवाद।